जनपद संभल की चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में आईडी हैकर ने व्यक्ति की आईडी हैक करके दूसरे व्यक्ति से पैसों की मांग की। जनपद संभल की चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में आईडी हैक करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पूरी घटना चंदोसी के रहने वाले सतीश अरोड़ा के साथ हुई है, जिनकी फेसबुक आईडी हैक करके हैकर ने नगर के ही रहने वाले उमेश कुमार से पैसों की मांग करते हुए उन्हें अपना खाता नंबर और IFSC कोड भी दे दिया, जिसके बाद उमेश कुमार ने फोन करके सतीश अरोड़ा को बताया कि आपकी आईडी हैक करके मुझसे पैसों की मांग की गई है, जिस पर सतीश अरोड़ा ने कोतवाली में पहुंचकर आईडी हैकर के विरुद्ध मामला दर्ज कराने के लिए कोतवाली में तहरीर दी है, जिसमें आपने बताया है कि आपकी कोई फेसबुक हैक कर लिए किसी ने, तो क्या मामला है? अभी मुझे 5:30 बजे एक उमेश कुमार जी हैं, उनका फोन आया कि आपकी आईडी हैक कर ली है और आपकी आईडी से मुझसे जो है 10,000 रुपए की मांग करी है, जो आप राशन वितरण कर रहे हैं गरीबों को इस दौरान में, उससे संबंधित जो है मुझसे 10,000 रुपए मांगे गए। और बाकायदा मेरे व्हाट्सएप पर उसका नंबर भी दिया गया है, IFSC नंबर भी दिया गया है, पेटीएम का जो होता है वो नंबर भी मुझे दे दिया गया है, और ये कहा है कि इसमें शीघ्र आप 10,000 रुपए डाल दो। जैसे ही उन्होंने मुझे अवगत कराया, मैं फौरन सब कुछ लिख करके मैंने अपने शुभचिंतकों को सूचना करी और अपनी फेसबुक में डाला, व्हाट्सएप में सब अपने पूरे ग्रुपों में डाला। उसके बाद मैं थाने आया हूँ, तहरीर दी है मैंने, FIR दर्ज करने का निवेदन किया है कि ये जानकारी करे कि ऐसा षड्यंत्रकारी कौन व्यक्तित्व है जो मेरी आईडी हैक करके पैसे लोगों से मांग रहा है।